व्हाट्सएप गाइज, मैं हूं भूपेंद्र पाल और आप देख रहे हैं पालटेक यूट्यूब चैनल। देखो आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि रेडमी के फोन में जो MIUI 11 के जो अपडेट है वो जो ग्लोबली स्टेबल रोम जो सबके फोन में मिल गई है जो फर्स्ट फेज के थे। तो फेज फर्स्ट में जो आते थे वो कौन कौन से फोन थे आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने फोटो भी लगाया हुआ है, ठीक है। जिसमें पहले नंबर पर आता है पोको F1, रेडमी K20, रेडमी नोट 7, रेडमी नोट 7 एस, रेडमी नोट 7 प्रो और रेडमी 7 और रेडमी Y3। ये डिवाइस है जिनमें MIUI 11 का जो स्टेबल रोम है कुछ रैंडम यूजर्स के लिए प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आपको नहीं मिला है तो आप कुछ दिन के लिए वेट कर सकते हैं, जिसका OTO अपडेट आपके फोन में मिल जाएगा। तो आप जल्दबाजी करना चाहते हैं तो जल्दबाजी से कोई फायदा नहीं है। वैसे इसकी लिंक भी दी गई है, तो उसकी लिंक की वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वो वीडियो बना रखी है। अगर आप जल्दबाजी में हैं तो उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं, वैसे जल्दबाजी का कोई फायदा है नहीं। आप OTO अपडेट के लिए वेट कर सकते हैं 5 से 7 दिन के लिए। आप आगे बात करूँ सेकंड फेज की, सेकंड फेज जो चालू होने वाला है 4 नवंबर से 12 नवंबर के बीच में आपको जो है सेकंड फेज के डिवाइस के लिए अपडेट मिल जाएगी। और आगे आने वाली वीडियोज में आपको बताऊंगा कि सेकंड फेज में कौन कौन से डिवाइसेज हैं जिनको अपडेट मिलेगी और जिस जिसको मिलती रहेगी मैं आपको साथ ही साथ बताता रहूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।